इंतजार के बाद भारत अपना T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहा है। ऐसे में देश भर की धड़कनें तेज हो रखी हैं कि क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम कर पाएगा या भारतीय फैंस को एक बार फिर हमेशा की तरह निराशा से गुजरना पड़ेगा। नमस्कार, मैं रिच रॉय और आप देख रहे हैं TNP स्पोर्ट्स। 2013 में आखिरी बार भारत ने इंग्लैंड को हराकर कोई ICC ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद से भारत लगातार सेमीफाइनल या फाइनल तक तो आया लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाया। हालांकि अब टीम इंडिया के पास एक बार फिर ICC ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने का अच्छा मौका है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से आज यानी 29 जून को बारबाडोस में होने वाला है। देखिए, भारत का आज फाइनल साउथ अफ्रीका के साथ होने जा रहा है और मैं आपको बता दूं कि आप साउथ अफ्रीका को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। जहां भारत सभी मैचों को अपने नाम करते हुए T20 के इस फाइनल में पहुंचा है, तो वहीं साउथ अफ्रीका ने भी एक भी शिकस्त हासिल नहीं की है। उसने भी अपने सारे मैचों में धुआंधार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में कदम रखा है, तो टक्कर बराबर की है या शायद नहीं भी। सीधा आ जाते हैं साउथ अफ्रीका और भारत के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो इन दोनों के बीच अब तक 6 T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले खेले गए हैं, जहां भारत ने 4 मैचों को अपने नाम किया है और साउथ अफ्रीका ने सिर्फ और सिर्फ 2। तो ऐसे में तो भारत का पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय क्रिकेटर्स इस बार अपने फैंस को निराश नहीं करेंगे। भारत की जीत के तो काफ़ी अनुमान लगा चुके हैं, आइए भारत के प्लेइंग 11 के भी थोड़े अनुमान लगा लेते हैं। देखिए, जहां तक आशाएं जताई जा रही है, हमारे कप्तान हिटमैन उर्फ रोहित शर्मा लगता तो नहीं कि कुछ बदलाव के मूड में है। आइए एक बार बता दिया जाए कि कौन कौन इस फाइनल में अपना जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने वाला है। रोहित शर्मा कैप्टेंसी करेंगे, वहीं विराट कोहली उनके साथ पारी की शुरुआत करना चाहेंगे। तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत जो विकेट कीपर भी हैं, वहीं चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, पाँचवें नंबर पर शिवम दुबे, छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या, सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा, फिर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्षदीप सिंह और आखिरी में जसप्रीत बुमराह। इसी के साथ बात कर लेते हैं हमारे धुआंधार खिलाड़ियों की जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में अपनी छाप छोड़ी है। भारतीय टीम के जादुई स्पिनर कुलदीप यादव को वेस्टइंडीज लीग में प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। जब से अब तक खेले गए सिर्फ 4 मैचों में कुलदीप ने 10 विकेट लिए हैं, वहीं सेमीफाइनल में उन्होंने 3 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ लिए थे। ऐसे में कुलदीप यादव अफ्रीका के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। वहीं विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए कुछ अहम पारियां खेली हैं। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 7 मैचों में 196 रन ठोके हैं। अब बात करते हैं भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल की तो वो इस वक्त बल्ले और गेंद दोनों से छाए हुए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था। साथ ही जब वो अंत में बल्लेबाजी करने आए थे तो उन्होंने एक छक्का भी लगाया था। उनको अपने इस ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। ऐसे में अक्षर साउथ अफ्रीका के लिए काल बनकर आ सकते हैं। बाकी हमको, आपको, पूरे देश को आज रात का इंतजार रहेगा। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। खेलकूद की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TNP स्पोर्ट्स।